वन विभाग द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर मोदीनगर रोड हापुड़ में आयोजित किया गया, जहां नीम, आंवला, पिलखन, पीपल, गुलमोहर, बरगद, महोगनी आदि के 51 पौधे लगाए गए और हर्षोल्लास के साथ वन महोत्सव मनाया गया और पौधों की बारात निकाली गई। हापुड़ के फॉरेस्ट रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल ने बताया कि कार्यक्रम में मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मलखान सिंह, जिला न्यायाधीश जनपद हापुड़ वीरेश चंद्र, अपर जिला जज FTC हापुड़ ज्ञानेंद्र यादव, अपर जिला जज द्वितीय जनपद हापुड़ प्रतिभा भाग्यश्री, न्यायिक जज हापुड़ उमाकांत जिंदल, अपर जिला जज स्पेशल पॉस्को हापुड़ प्रीति मोगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम हापुड़ रवि कुमार, सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय हापुड़ प्रगति, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हापुड़ सोनाली रतन, सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC हापुड़ दीपक गौतम, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय हापुड़ सुनील शेखर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ मिताली राव, अपर जिला जज FTC प्रथम हापुड़ तानवी सिंह, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम हापुड़ नेहा चौधरी, सिविल जज जूनियर डिवीजन FTC द्वितीय हापुड़ और प्रमोद कुमार प्रभागीय वन अधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़, भारत भूषण गर्ग क्षेत्रीय संयोजक लोक भारती पश्चिम क्षेत्र उपस्थित रहे। मुकेश चंद्र कांडपाल क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा पौधों की बारात निकाल स्कूल में उपस्थित समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया गया। प्रमोद कुमार विभागीय वन अधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ द्वारा मौके पर उपस्थित 300 विद्यार्थियों को ये भी समझाया गया कि कम से कम एक पेड़ माँ के नाम प्रत्येक विद्यार्थियों शिक्षकगणों को लगाना है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रह सके। वन विभाग के स्टाफ अनुज जोशी वन दरोगा, गौरव कुमार गर्ग वन दरोगा, राहुल सिंह वन रक्षक, सरिता भट्ट वन रक्षक भी मौके पर उपस्थित रहे।